नमस्ते प्यारे दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में NSC ने अपना इंटरेस्ट रेट 7% से बढ़ा के 7.7% कर दिया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप अपना रुपये आप अपना जो मेहनत से कमाए हुआ पैसा NSC में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले आपको जितना रिटर्न मिलता था अभी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाली है। ये हमारे और आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों। दोस्तों अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि सारे बैंक अपने फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपना फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट को 7.25 तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। पर दोस्तों NSC में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 7.7% का फ्लैट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं कि NSC में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, वो कौन लोग हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके लिए एज लिमिट क्या है, आप कितने तरह का अकाउंट खोल सकते हैं, ये इतने आप इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस क्या ये टैक्स फ्री है या फिर नहीं है, आपको कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आते हैं कि वो कौन लोग हैं जो कि इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों चाहे आप एक अडल्ट हो या फिर माइनर हो, यानी कि आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है या फिर 18 से कम, कोई भी इसमें अपना अकाउंट खोल सकता है। अगर आपका उम्र 18 से ज़्यादा है तो आप खुद के नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आपके बिहाफ पे कोई भी आपका रिश्तेदार हो या आपके फैमिली मेम्बर हो कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें आप कितना अकाउंट खोल सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है, आप हर अपने फैमिली मेम्बर के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट की, आप इसमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कम से कम इसको इसमें आपको 1,000 रुपये डिपॉजिट करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितना भी रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको 7.7% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस स्कीम के और एक खास बात है दोस्तों कि सेक्शन 80C के तहत जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है, आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा सालाना 1.5 लाख इंटरेस्ट तक आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों 10 लाख का 7.7% के हिसाब से आता है दोस्तों आपका सालाना इंटरेस्ट 77,000 रुपये, 77,000 रुपीज़। अब दोस्तों अगर यही पैसा आपने FD पे इन्वेस्ट किया होता फिक्स्ड डिपॉजिट पे तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स गिर जाता। पर इसकी ये खास बात है दोस्तों कि ये जो 77,000 रुपये आपको मिल रहा है इसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जब तक आपकी सालाना जो इंटरेस्ट है वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं होता आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं इसके मैच्योरिटी के ऊपर। जैसे ही आप इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों 5 साल के बाद ये मैच्योरिटी हो जाती है। मैच्योरिटी के बाद आपको 7.7% के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा। आने वाले कुछ टाइम में हम ये देखेंगे दोस्तों एक एग्जाम्पल के तहत कि आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना रुपये रिटर्न मिलेगा। दोस्तों ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ये आपके घर के पास के किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप इसको खरीद सकते हैं या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इसके प्री मेच्योर क्लोजर की तो 5 साल से पहले भी आप अगर चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे स्थिति हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसके चलते आप अपना अकाउंट किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर किसी अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो उनके जो नॉमिनी होते हैं उनके जो हेयर होते हैं उनके नाम पे ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, या फिर आप इसको कोर्ट के ऑर्डर से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इसके और एक खास बात है कि आप अगर चाहें तो इसको ज्वाइंट अकाउंट की तरह भी खोल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम एक बार ये देखते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 7.7% के हिसाब से 5 साल के बाद मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा जो कि टैक्स फ्री होगा 1.5 लाख तक। दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं आप कि NSE कैलकुलेटर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कैलकुलेटर। यहाँ पे मान लीजिए आप एक बार में 5 लाख या फिर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख का रुपए इन्वेस्टमेंट किया, आपका अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.7% के हिसाब से मिल रहा है।
अब दोस्तों आपका यहाँ पे दोस्तों टाइम पीरियड हो गया 5 साल, तो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, आपको 5 साल के बाद मिल रहा है दोस्तों 14,49,000, यानी कि लगभग 14.5 लाख, 14,50,000 के आसपास आपको मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से अगर 10 लाख के जगह पे अगर आप 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको 7,25,000 के आसपास मिल रहा है। अब मान लीजिए दोस्तों 5 लाख के जगह पे आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5 साल के बाद मिलता है दोस्तों आपको 1,44,903 रुपये। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपको 5 साल में 44,903 रुपये टैक्स मिल रहा है, तो ये है दोस्तों आपका इंटरेस्ट फ्री, ये है दोस्तों आपका इनकम टैक्स फ्री, यहाँ पे आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमने पहले बात 10 लाख की बात की थी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ दे सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, देखिए ये आपको 4,49,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 5 साल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों। तो अगर 5 साल का इंटरेस्ट इतना होता है तो देखिए दोस्तों जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा वो लगभग 77,000 होगा। तो आपको यहाँ पे भी कोई भी बैंक, कोई भी आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, पूरा का पूरा पैसा आपका। अब यही पैसे अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किए होते तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स, आपका जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाता। अब आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद दोस्तों।